देखिए ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जनता देख के पगला बैठी है, लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं इज दिस ए रियल या बॉलीवुड फिल्म। देखिए ब्रह्मास्त्र के ऊपर काफी बॉलीवुड के लोगों का रिएक्शन आ चुका है और जबकि फिल्म इतना मस्त है तो साउथ से भी रामचरण को रहा नहीं गया, उन्होंने भी ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दे दिया है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए रामचरण ने ट्रेलर देखते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, वाओ विजुअल इफेक्ट सच में ब्रह्मास्त्र में पावरफुल है, मैंने आज तक ऐसा विजुअल इफेक्ट इंडियन सिनेमा में नहीं देखा था और ट्रेलर में भगवान हनुमान जी वाला शॉट आउटस्टैंडिंग लगा हमको, सिनेमेटोग्राफी विजुअल्स बीजीएम सब कुछ टॉप नॉच है, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर। देखिए फिल्म का विजुअल इफेक्ट सच में तारीफ को लायक है पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं भैया ये तो टट्टी वीएफएक्स एकदम टीवी सीरियल जैसा वीएफएक्स दिख रहा है और इसी फिल्म को कह रहे थे ये हॉलीवुड की फिल्मों का टक्कर दे सकता है। देखो भाई माना कि आप मार्वल हॉलीवुड के बहुत बड़े वाले फैन हैं, मगर आपको उनकी फिल्मों को तो देखना चाहिए, उनके फिल्मों की बजट कितनी होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। देखिए ब्रह्मास्त्र को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कंपेयर कर रहे हो, भैया वांडा का पावर जैसे ग्लिम्स लग रहा है दामयंती का यानी के मोनी रॉय का। देखिए आपकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बजट था टोटल 1722 करोड़, अब ब्रह्मास्त्र बजट है 300 करोड़, आपको थोड़ा भी सोचना चाहिए ना, इतना कम बजट में भी डायरेक्टर अयान मुखर्जी इतने बड़े लेवल की फिल्म बना दिए, भाई बंदे ने पैसे से ज्यादा मेहनत लगाई है, पूरे 9 साल दिए इस फिल्म को बनाने में और फिल्म का राइटर भी खुद ही है। और देखिए आपकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज मार्वल की फिल्म है, इनके पास सब कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रेंड वीएफएक्स टीम पहले से ही है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा इस यूनिवर्स की पहली फिल्म है, इनको सब कुछ बिगनिंग से ही करना पड़ा होगा तभी लोगों ने उम्मीद से ज्यादा दे दिया है। भैया फर्स्ट टाइम ऐसा इंडियन सिनेमा में फिल्म बन रही है, इंडिया को अपना देश से सुपर हीरो शिवा मिल गया। और देखिए ट्रेलर की खास बात ये लगी हमको, फिल्म में कैरेक्टर अपने अस्त्र यूज करने से पहले श्लोक पढ़ रहे मंत्र पढ़ रहे और अपना अमिताभ बच्चन को देखा होगा, नागार्जुन का भी सुना होगा और भाई कहीं से मेकर्स ने हेटर्स को मौका नहीं दिया कुछ बोलने का, तुम क्या कर रहे हो, फिल्म में अस्त्र शस्त्र की अगर बात हो रही है तो मंत्र पूजा फिल्म में होना ही चाहिए। और देखिए मेरे को पर्सनली पहली बार रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तीर रोज चला दे रहे, आग का हथौड़ा बना दे रहे, तलवार भी बना दे रहे और इनको फिल्म में अग्नि का पावर ही दे दिया गया, और जब आलिया भट्ट के सामने नदी किनारे इनका पावर का राज खुल जाता है और उस समय वाला उनका एक्सप्रेशन मस्त लगा हमको, और विलेन के तौर पर मोनू रॉय भी खतरनाक लगी हमको, और आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन को पूछो ही मत, और नागार्जुन थोड़े और जवान दिख रहे हैं ट्रेलर में, ओवरऑल सब परफेक्ट है, फिल्म मास्टरपीस है, माइंड ब्लोइंग है, जहर है, कुछ इंडियन सिनेमा में नया हो रहा है वो भी पैन इंडिया लेवल पर है। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको ट्रेलर में कौन सा सीन अच्छा लगा और साथ में इससे और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक आप सभी को अलविदा।